नमस्कार। दिल्ली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। दीपक जी, क्या कहेंगे जहां पर शिवसेना का धनुष मान जो है सिंदेगढ़ को चुनाव आयोग ने दे दिया है और उसको लेकर के काफी उथल पुथल है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि चिन्हय का सवाल काफी महीनों से चल रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस चिन्हय को साइड पर रख के दोनों को अपना अपना एक लोगो दिया था, लेकिन हाल ही कुछ दिनों पहले चिन्ह एकनाथ शिंदे गट को दिया गया है। सबसे पहले तो मैं इसकी एक निंदा भी प्रकट करूंगा, क्योंकि एक तरफा डिसीशन है, लेकिन इस विषय पे चर्चा करने के लिए वरिष्ठ लोग हैं, संजय रावत साहब है, उद्धव साहब है, ये लोग इनको डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज मुद्दा काफी बड़ा है और भारी है। इसका निर्णय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवसेना का बहुत सारा बाहुबल इस पर टिका हुआ है। जिस तरह से चिन्ह उनको दे दिया गया है, कार्यकर्ताओं में काफी नाराजी है, उसको लेकर क्या कहें? नाराजगी डेफिनेटली पब्लिक उद्धव साहब के साथ में है, आम जनता पब्लिक उद्धव साहब के साथ में है। लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हुआ है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा किरने मैं डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये लेवल बहुत ऊंचा है। इसमें उद्धव साहब को ही निर्णय लेने, उनको ही डिसीजन लेने और उनके आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव भी सामने है, इसका असर कितना दिखाई देगा? मेरे हिसाब से कि शिवसेना एक मजबूत पार्टी है और जनसंख्या जुड़ी हुई है, लेकिन डेफिनेटली चिन्ह का हिलना या नाम का हिलना इलेक्शन पे इसका असर जरूर आएगा, लेकिन हमारे माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे इस लड़ाई पे लड़ने की और कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम सीट आ सके उतने निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। हर कोई अपने एरियाज में काम कर रहा है, हर कोई कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लोग और जोर से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारा अब जरूरत पड़ेगी उद्धव साहब के बाहर निकलने की। उनको मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि अब जरूरत हमको उनकी पड़ेगी, क्योंकि आज मसला गर्म है और हमारे लिए रिवर्स वर्किंग चल रही है। तो अगर उद्धव साहब अगर बाहर निकलते हैं और लोगों के साथ में इसके इस सैलाब के लिए लड़ते हैं, तो डेफिनेटली कि हमें जीत हासिल होगी। आप भी चिदागैम से प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है लोगों को, आपकी क्या भावनाएं हैं वहां का, किस तरह से आप देख रहे हैं उसे? ऐसा है कि मेरा पट्टा चित्तगम ट्रॉम्बे का है, जो 145 नंबर वार्ड है, वहां पे हमने 4.5 साल से हम काम कर रहे हैं और निष्ठापूर्वक काम किया। हमने बाड़ा साहब का जो मुद्दा था 80% समाज सेवा 20% राजकरण, उसी मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो हम हर जगह पे, हम यूट्यूब में और सब जगह पे हमारे काम का वर्णन है, लेकिन ये जो मसला चिन्ह का है और शिवसेना का है, ये हमको भी वहाँ पे नुकसान देने की संभावना कर रहा है। लेकिन हमें इंतजार है वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ पदाधिकारियों का, नेताओं का और उद्धव साहब का, कि आगे हमें क्या करना है। इस इंतजार पे हम रुके हुए और आगे का काम हम तब बढ़ाएंगे जब ये निर्णय हमारे सामने आएगा। वहाँ पे मुस्लिम आबादी है ज्यादा से ज्यादा, और आपको लोग मतदान क्यों करें? ऐसा है कि मुस्लिम की आबादी वहाँ पे हमारे पास 70-75% के करीबन है, हमारे पास मराठियों की भी आबादी है, हमारे पास तमिल की भी आबादी है, हमारे पास उत्तर भारतीय की भी आबादी है, लेकिन हमारी मेजर आबादी जो है मुस्लिम है। हम उनके साथ में हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हर रमजान में जुड़े हुए हैं, ईद में जुड़े हुए हैं, उनके मदरसे में जुड़े हुए हैं, उनके हमारे संपर्क रेगुलर हैं। हमने वहाँ ये मसला रखा ही नहीं है हिंदू मुसलमान का, वहाँ एक भाईचारे का मसला है। हम एकत्र होकर वहाँ पे हर काम में लगे हुए, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, हमने भेदभाव को। आपको लोग मतदान क्यों करें? ऐसा है कि लोग आज वही चाहते हैं कि उनके लिए कौन काम कर रहा है, उनके लिए कौन रास्ते में उतर रहा है, उनके साथ में बुरे वक्त में कौन खड़ा है। तो ऐसा है कि आज लोग वहाँ पे भी लोग सीख चुके हैं और पढ़े लिखे लोग भी आगे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जो काम करेगा, और मेरे ख्याल से इस टाइम इलेक्शन एक अलग रंग लाएगा और लोग उसी को वोट देंगे जो उनके साथ जुड़ा हुआ और काम कर रहा है। आज भी वहाँ पे काफी समस्याएं हैं और लोग उसे निजात नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि 70 साल पुरानी समस्या एक दिन में खत्म नहीं हो सकती है। हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अड़चने आती है। कोई आमदार खड़ा हो जाता है कि ये हमारा काम है, कभी कॉर्पोरेटर खड़ा हो जाता है कि हमारा काम है, तो हमें अड़चने आती है। इसलिए हम इंतजार करें इलेक्शन होने के बाद में, जब हमारे पास में पावर आएगा, हम अपने पावर का इस्तेमाल करके इस इलेक्शन के अंदर अपने जो बाकी अधूरे काम है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विषय वहां पे जनसंख्या के लिए हॉस्पिटल नहीं है ढंग से, अभी भी
लोगों को शताब्दी भागना पड़ रहा है, तो वो जो रास्ता है उसको तय करना बड़ा मुश्किल होता है। इमरजेंसी केस हैंडल नहीं हो पा रही चिताग्रह में। स्कूल की समस्या है, अगर अच्छी स्कूल है तो लोग पढ़ सकते हैं, जनसंख्या को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल सकती है, जो बहुत जरूरी है उस इलाके में। ये गटर की समस्या है, आज भी 70 साल बाद में हमारे वहां की गटर चोक हो रहे हैं। गटर चोक होना 70 साल बाद में इट्स अ वेरी बिग इश्यू, मतलब बहुत बड़ा इश्यू है। लोगों के पानी की समस्या है, अगर 70 साल बाद में भी अगर ये समस्या सॉल्व नहीं, तो मुद्दा वहां पे बहुत गंभीर है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ पावर चाहिए, बैकअप चाहिए, वो तभी मिल सकता है इलेक्शन के बाद ही।